Finally, at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आगामी 15 अगस्त को एक बार फिर प्रधानमंत्री लाल किले से देश की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। सुरक्षा कारणों से आम लोगों का लाल किला में प्रवेश बंद हो चुका है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने की 1947 से शुरू हुई परंपरा आज तक जारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री लाल किले से ही देश को क्यों संबोधित करते हैं, क्या है इसके पीछे की कहानी। 1638 से 1649 के बीच पांचवें मुगल शासक शाहजहां ने लाल किला का निर्माण कराया था। तब इसे मुगलों की नई राजधानी शाहजहानाबाद के महल के तौर पर तैयार किया गया था। इसके निर्माण में 8 साल 10 महीने और 25 दिन लगे। 6 दरवाजों वाले इस किले को एक साथ 3000 लोगों के रहने के लिए तैयार किया गया था। 1739 में ईरानी आक्रांता नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। तत्कालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह आलम को हराकर मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। अंत अंग्रेजों का देश पर शिकंजा कसता गया। 1803 के बाद अंग्रेजों की नज़र में दिल्ली चुभने लगी। वे लाल किला पर यूनियन जैक फहराने के लिए बेताब हो उठे। इसी बीच अंग्रेजी शासन के खिलाफ 1857 में बगावत शुरू हुई। मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने इसका नेतृत्व किया। ब्रिटिश अफसरों ने लाल किले को नष्ट करना शुरू कर दिया। बगीचा, रॉयल स्टोर रूम, किचन, अस्पताल, बंगले प्रशासनिक भवन में तब्दील कर दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी अब खत्म होने के कगार पर थी। भारत की कमान अब महारानी विक्टोरिया के हाथ में आने वाली थी। 1911 में ही ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। इतिहासकारों का कहना है कि राजधानी बदलने का मुख्य उद्देश्य उत्तर भारतीयों को ये बताना था कि भारत अब मुगलों से आज़ाद होकर ब्रिटेन के कब्जे में आ चुका है। 1914 में रंगून को आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाने की कोशिश हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहां से पहली बार चलो दिल्ली का नारा देते हुए लाल किला को दोबारा हासिल करने का ऐलान किया। पूरे देश में चल रही विरोधी लहर से ब्रिटिश शासन को यह एहसास हो गया था कि देश में रहना अब मुश्किल है और भारत आज़ाद हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले के लाहौरी गेट पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये वो मुकाम था जिसने अतीत से निकलकर एक स्वतंत्र राष्ट्र को भविष्य की ओर कदम रखने के लिए मजबूत बनाया था। साल बदलते गए और नाम बदलते गए, कभी किलाए मुबारक, किलाए शाहजहानाबाद और कभी किलाए मौला। लाल किला आज भी अपनी अधीनता, पराधीनता और स्वतंत्रता की दास्तां बयां करता है। लाल किला देश की उन चुनिंदा और ऐतिहासिक इमारतों में शामिल है जो भारत की हर दौर की कहानी कहती है। यूनेस्को ने 2007 में इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। अगले वीडियो में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई डिवाइड की हिस्ट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।